साथ। बट एक स्टॉक जहां पर अच्छी मूव बनी हुई है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। डिफेंस स्टॉक्स में आज अच्छा दिन है ही, HAL के लिए क्या है खास, आइए एक बार जरा जाने नुपुर के साथ। नुपुर, पूरे साल ही इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, HAL क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, मैनेजमेंट का भी यही कहना कि काफ़ी अच्छा साल निकला है 2024 उनका, क्योंकि उन्होंने पूरे साल का जो अपडेट है वो जारी किया है एक्सचेंजेस पे, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड आई की जो ग्रोथ है वो FY24 में देखने को मिली है। YOY आधार पर देखेंगे तो आपको 11% की मजबूत ग्रोथ नजर आएगी, 29,810 करोड़ की आय पूरे साल कंपनी ने की, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे पिछले 3 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग आती हुई नजर आई है। अब इसका जो आधार है ऑर्डर बुक वो भी काफी स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो FY24 की आय है उसका 3 गुना ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। तो आगे का आउटलुक इससे हम पता कर सकते हैं कि काफी स्ट्रांग है। FY24 और 25 का भी उन्होंने आउटलुक लिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ऑर्डर जो है बड़े यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे, तो बड़े ऑर्डर बुक की ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है मैनेजमेंट को FY25 में। 16,000 करोड़ के जो ऑर्डर है वो रिपेयर एंड ओवरहॉल के रहेंगे, और FY24 में 19,000 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए नजर आए थे। तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, FY24 की जो आई है उसमें 11% की ग्रोथ देखी है, रिकॉर्ड लेवल पर ग्रोथ आती हुई नजर आई है। ऑर्डर बुक से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना की ऑर्डर बुक अभी भी कंपनी के पास है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी आपको फाइनेंशियल्स में आती हुई नजर आएगी। कंपनी ने एक और चीज हाईलाइट की अपने एनुअल अपडेट में, जहां पर उन्होंने कहा है कि बड़े कोलैबोरेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंपनी साइन करती हुई नजर आई, और लगातार हम देखते हैं कि जी बिजनेस पर आपको एक्सक्लूसिव खबर मिलती है कि कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है कोलैबोरेशन करने वाली कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एरो इंजन बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और USA के साथ कंपनी MOU करेगी, सैफरन हेलीकॉप्टर फ्रांस के साथ JV करने वाली, और एयरबस के साथ भी कंपनी का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो बड़े कोलैबोरेशंस है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ी ऑर्डर बुक है, और FY24 तो रिकॉर्ड लेवल पे क्लोज किया है कंपनी ने, 11% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और पिछले 3 साल से लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखी है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। बिल्कुल, और आप देख भी रहे हैं उसका पूरा इम्पैक्ट है, 3400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगातार बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। बीच में तो एक पीरियड था ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस नए ऑर्डर्स आपको आते हुए दिखे थे, बट ऑर्डर बुक की जो सिचुएशन इस समय है वो भी काफ़ी हेल्दी है। सिद्धार्थ जी, 3400 का लेवल HAL, FY24 काफ़ी शानदार रहा कंपनी के लिए, FY25 के लिए भी ऐसी उम्मीदें हैं सर? बिल्कुल उम्मीदें हैं, और डिफेंस स्पेस में जैसे मैंने एकदम इनिशियल फर्स्ट कॉल दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक, वैसे ही एस्ट्रा माइक्रो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में डिफेंस में, और स्पेशली एक बार नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, बजट आ जाए, उसके बाद तो फुल फ्लो में डिफेंस रह सकता है। तो मैं मानता हूँ डिफेंस स्पेस एकदम फोकस स्पेस है। HAL की जो बात की, बिल्कुल बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं, पर क्या इन लेवल्स में नई खरीदारी करनी है? तो मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा, इन लेवल्स पे खरीदारी करनी है इन लेवल्स पे, यही स्पेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक या फिर एस्ट्रा माइक्रो, इन जैसी कंपनियों पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है। HAL अगर आपने ले रखा है तो डेफिनेटली ब्लू चिप कंपनी है, आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, ले रखा है तो बने रहिए, हालांकि बेटर विकल्प है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी आपको एक बहुत ही बड़ा रनअप दिखा चुका है, आज भी अच्छे लेवल्स पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। एक बार चार्ट चेक भी जरा ले लेते हैं HAL, वागले साहब से एक बार जरा पूछते हैं। वागले साहब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक बार टेक्निकल व्यू शेयर करें सर इस पे। दीपांशु, कहीं अब तो से ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, वीकली मंथली चार्ट्स तो स्ट्रांग है ही, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से भी ये काफी 3000 से एक अच्छा बाउंस बैक हुआ है, 3400 के पार निकला है। मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू होगी, मेरा अगला टारगेट इसका 3500 का होगा, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर आपने पहले लिया है तो होल्ड करें, आज का जो लो जो है उसका स्टॉप लॉस बनाकर 3350 के आसपास का, 3350 का, और ऑन द अपसाइड 3500 तक का मुझे मेरा व्यू है 1 से 2 दिनों का। 3500 ये है आपके लिए व्यू, वागले साहब की तरफ से आते हुए दिख रहा है, और अच्छी मूव HAL में रही है, पिछला साल जो था वो कंपनी के लिए शानदार आपको आते हुए दिखा है।